वक्त गिलगित सिटी में है। गिलगित सिटी पार्क है, अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, सोलर पैनल लगे हैं सारे। बिजली जो है वो ज़्यादातर टरबाइन से पैदा की जाती है। सर्दियों में टरबाइन ज़रा स्लो होते हैं क्योंकि पानी की जो आमदरफ्त होती है पहाड़ों से वो बहुत कम होती है, लेकिन गर्मियों में जो जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो टरबाइन ज़रा फास्ट चलते हैं, तो बिजली की जो रवानी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो सर्दियों में इस कमी को पूरा करने के लिए ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो दिन के टाइम बिजली प्रोवाइड करते हैं। ये सामने बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ गिलगित की खूबसूरती में बेपना इजाफा करती हैं। शाम के टाइम इस वक्त मार्च चल रहा है तो बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी देर में सूरज ग़ुरूब हो जाएगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और फिर यहाँ से सब रवाना हो जाएंगे। ठंड बहुत शदीद हो जाती है। सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये बिलाल साहब हैं जी, हमारे गिलगित के साथी। ये आज हमें यहाँ पे लेके आए हैं और हमें गिलगित के पार्क का नज़ारा करवा रहे हैं। ये सिटिंग एरिया बना हुआ है और ये तकरीबन हर एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पे इस वक्त खेलने में मसरूफ़ है। बहुत वसी और रीज मेज़ मैदान है। आगे देखें मजीद एक ग्राउंड की हदूद ख़त्म हो गई हैं और दूसरे ग्राउंड की हदूद शुरू हो गई हैं। साथ साथ साइड पे जॉगिंग ट्रैक भी है। इस वक्त हम होटल की बालकनी में, ये सामने दरिया का खूबसूरत मंज़र, वो सामने गांव में चरागाह हुआ है। आज 15 शाबान की रात है, बड़ी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। सनम होटल से निकल के हम आ रहे हैं अभी। यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था और आगे क्वेटा होटल में हम नाश्ता करेंगे। ये बिलाल साहब हैं साथ और ये आंसर साहब हैं, हम लोग अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। सामने गिलगित के पहाड़, कितना प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं। और ये नेम इस जगह का क्या नाम है इस टावर का? ये गढ़ीबाग कहते हैं इसको, है ना। ये गिलगित की सबसे बड़ी जामे मस्जिद यही है। इधर अभी हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जुमे का दिन है।
गड़ी बाग, इस गड़ी की वजह से कहते हैं इस चौक को। ये असिस्टेंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गिलगित, ज्यादातर मैं सरकारी दफातर है। रेस्क्यू का ऑफिस है और जाके जीपीओ है गिलगित का। यहाँ पे सुनियों की और हर तशी की जो है दो मस्जिद हैं। ये जो बड़ी मस्जिद आपको नज़र आ रही है सामने, ये सुन्नी की है। इसी तरह वो आगे एक छोटी मस्जिद नज़र आ रही होगी आपको, वो हर तशी की है। देखिए काफ़ी बड़ी जामा मस्जिद है ये, साथ इसके बड़ा बाजार है। इस तरफ जाने, चलो जी इस तरफ चलें। मस्जिद के अंदर अभी हम जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम आए थे लास्ट टाइम। ये वो गिलगित का गेट है जिसके सामने हमने तस्वीरें खिंचवाई थी ग्रुप में, और ये वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी रही। ये रास्ता है रोड ट्रैवलिंग के लिए जाता है, बहुत प्यारा मंजर पहाड़ों का, खूबसूरत जगह। इस गेट से हमारी यादें हैं। और जी राका पोशी, द माइटी राका पोशी, बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है सारा, एक बार सारे पहाड़ खुश कहने लगे बीच में। अहमदाबाद जी की तरफ जाते हुए रास्ते में इस पॉइंट पर रुके, बेसिकली राका पोशी व्यू पॉइंट है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं शॉपिंग एरिया सामने ऊपर। राका पोशी है जी, पीक के बारे में मेंशन किया गया है। ये तकरीबन 7,788 मीटर और 25,551 फीट पर है, जो दुनिया की 27वीं ऊंची बड़ी चोटी है। अभी हम इसको जिस तरह से देख रहे हैं, 1950 मीटर का पॉइंट है। मैं आपको फिर थोड़ा दिखा दूँ, इंद्रा की वादी से हम गुजर रहे हैं अभी इस टाइम। और ये इंद्रा के दरख्त हैं जो कि बहार में पत्ते आने के साथ ही बहुत खूबसूरत मंजर पेश करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी सर्दियों का अख्ताम हुआ है तो सारे दरख्त अभी पत्तों के बगैर।
कुछ चोटियाँ, नीचे खुश पहाड़ है। बाहर की आने के साथ यहाँ पे सजा हो जाएगा। ये लेडी फिंगर है जी, बीच में पहाड़ों के आपको नज़र आ रही होगी छोटी सी निकली, इसको लेडी फिंगर कहते हैं। बिल्कुल बादलों को छूती है। जी आपको आज गिलगित की रवायती डिश छपशोरों के बारे में बताते हैं। ये देखें, ये लिखी हुई है कि रवायती छपशोर। एक रोटी होती है जिसके अंदर
कीमा टाइप भरा होता है और ये सामने बैठे हुए हैं चपचो बना के। ये देखें ये छप शोरू है। अच्छा छप शोरू, इसके अंदर क्या होता है? अच्छा अच्छा, तो ये कितने की एक मिलती है? ये 150 की है। 150 की एक पीस मिलती है। 150 का एक पीस? अच्छा चलें ठीक है, मेहरबानी। तीन लेके आए ना, चेक करते हैं। ये बैठने की जगह बनी हुई है, ये सामने रोड जा रहा है और खूबसूरत मंज़र, और इस तरफ राका पोशी आपको सामने नज़र आएगा। ये राका पोशी है सामने, देखें। चलें जी, ये अभी हम खोलने लगे हैं। क्या नाम है इसका, क्या नाम बताया था इसका? छप शोरों को अभी खोलने लगे हैं जी। खोलें जी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी वाह, इसके अंदर जी कीमा भरा हुआ है गरम गरम। कीमा छोटा होता है बड़ा? गाय का। चलो जी शुरू करते हैं। ये छप शोरों देखें आप कैसा लगा आपको।